एक राम सनी यादव जी हैं, निंदूरा में इनका घर पड़ता है, पैगंबरपुर के रहने वाले हैं। उनसे जान पहचान थी, तो एक जमीन के सिलसिले में हम लोग मैं और रामकिशोर जी जो है मिलने गए हुए थे। तो वहाँ पर जब मिलने के लिए गए तो वहाँ पर एक गोविंद कुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति बैठे हुए, के नाम से परिचय कराया गया कि आप जो है हैं और जो है आप कैबिनेट मिनिस्टर के पीआरओ हैं, साथ में जो है संघ में अच्छी पकड़ रखते हैं। और इस दौरान में बातचीत के बीच में राम सनी जी ने बताया कि जो है पंचायती राज विभाग में 2021 की जो है भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है, जो बैकलॉग के थ्रू जो है बैकडोर से होनी है, और इसका खर्चा लगभग 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। तो अगर आप लोग चाहो तो जो है नौकरी मिल सकती है, और इन्होंने कई लोगों को नौकरी दिलाई हुई है जी। तो इसी नौकरी के चक्कर में जो है हम लोगों ने संपर्क किया, तो राम सनी जी ने कहा कि मैं तो बीच में हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए, आप मुझे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। गोविंद कुमार शुक्ला जी जो है कैबिनेट मिनिस्टर के पीआरओ हैं, और ये जो है संघ में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, और इन्होंने कई लोगों को नौकरी दिलाई हुई है। तो अगर आप लोग नौकरी की इच्छा रखते हैं, अगर चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, तो आप लोग को भी नौकरी दिला सकते हैं, और साथ में अगर आपके 2-4-10 लोग जो जानने वाले बहुत क्लोज हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी, चूंकि सफाई कर्मी का मामला है और बैकडोर से भर्ती होनी, तो इसमें कोई इशू नहीं है जी। तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबने दिए, क्या क्या अप्लाई दिया और क्या कुछ खर्चा भी दिया? जी बिल्कुल, तुरंत जो है गोविंद कुमार शुक्ला जी ने कुछ प्रारूप हमको जो है दिए कि ये वो है जिला पंचायती राज अधिकारी ने जनपद बाराबंकी, इस तरीके से हर जनपद के प्रोफार्मा उनके पास रखे हुए थे, और ये सबमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रखे हुए थे। उन्होंने दिया और बोले कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, और बाकी यादव जी हैं आप इन पर भरोसा रखिए, तो आपको जो है नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो इस दौरान में जो है हम लोगों ने 14-15 लोगों का जो है, चूंकि भरोसे की बात थी और लोगों ने हम पर भी भरोसा किया, तो हमने उसी भरोसे पर इनको पैसा दे दिया। लेकिन जब मार्च माह अच्छा, पैसा जो आपने दिया है तो क्या अकाउंट पे है, कैसे किस तरीके दिया है? इस पे जो है पहला ट्रांजेक्शन हमने राम सनी यादव जी के बेटे के अकाउंट पे ट्रांसफर किया था, जो कि ऑनलाइन 7,000 रुपये का था। और इसके बाद में यादव जी ने कहा कि ऐसा है भैया, अब आप पैसा जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करके, मैं आपको जो है गोविंद कुमार शुक्ला जी का अकाउंट और चेक की कॉपी भेज रहा हूँ, आप उस खाते पर भेजिए। तो 7,000 रुपये राम सनी जी के खाते पर भेजा गया, और इसके बाद में जो गोविंद कुमार शुक्ला जी का था, जो इन्होंने भेजा था डिटेल, उस पर भेजा गया। तो कुल 2,29,000 रुपया भेजा गया जी, 2,29,000 रुपये कैश भेजा गया। और इसके साथ में ही जब हम लोग मार्च में मिले थे, तो इन्होंने कहा कि अभी तो सूचना लगी हुई है, चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी नौकरी का नहीं हो पाएगा, आप लोग तब तक चाहो तो सोलर भारत सरकार की अच्छे ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में आप लोग पैसे कमा सकते हो, सरकारी काम है और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बातचीत ऐसे आगे बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसमें कुछ अधिकारियों को पेमेंट देना होता है, जिससे डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने किया क्या कि रामकिशोर भाई ने 15 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ इंडिया अपनी छेदा नगर की शाखा से 1,00,000 रुपए नगद निकाल करके गोविंद कुमार शुक्ला जी को दिया कि आप हमको जो है एक जिला अलाट करा दीजिए, जिले की डीलरशिप दिला दीजिए, तब तक हम लोग ये काम करेंगे, और जो होगा तो नौकरी बच्चों की रहेगी, हमारा काम ये, हम इस काम को करने लग जाएंगे। इस तरीके से 2,29,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और 1,00,000 रुपये नगद जो है दिया गया। तो इस तरीके से कई कई 3,00,000 से ज्यादा रुपए का आपके साथ फ्रॉड किया गया, 30,000 रुपए के आसपास का जो है। तो आज आपने पूरा प्रशासन पर दिया है, पुलिस महोदय को, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? जी इस पर हमारे बाराबंकी जनपद के पुलिस उपाधीक्षक जी महोदय ने जो है प्रार्थना पत्र को देखते हुए ये बोला है कि हम एक हफ्ते में इसकी जांच करा करके इस समस्या का निस्तारण कराते हैं, और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहें। जहाँ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि न भ्रष्टाचार, न गुंडा राज, न जो है कुछ होता है, बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है, तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो फ्रॉड हुआ आपके साथ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब इस पर क्या आरोप लगाया जाए, क्या प्रत्यारोप किया जाए, ये तो समझ से बाहर है। लेकिन आज के इस दौर पर योगी जी जो कर रहे हैं या शासन जो कर रहा है, वो तो एक स्तर पे उसको हम कह सकते हैं ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आज के इस दौर पे अगर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, तो सरकार के नाम पर फ्रॉड करने वाले, संघ के नाम पर फ्रॉड करने वाले, और भाजपा के नाम पर फ्रॉड करने वाले लोग हैं। जितने भी अपने आप को, अगर अब तो ये मुझे समझ में आ गया कि अगर जो भी अपने आप को संघी या भाजपा ही बोल रहा है, वो अगर उसने आपको कोई एक बात बताई, तो जाहिर से पीछे उसके बहुत बड़ी मंशा है, और वो बहुत लंबे फ्रॉड में रहेगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, संघ को, भाजपा को नाम लेकर के बदनाम करते हैं, मुख्यमंत्री जी को नाम लेकर बदनाम करते हैं, मंत्री के नाम लेकर बदनाम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो क्या
योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को इनके कठोर खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई तो करनी चाहिए, चूंकि सरकार जो होती है वो किसी पार्टी की नहीं होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, सरकार जनता की होती है और जनता के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। लेकिन अब चूंकि सरकार भी पार्टी के दबाव में काम करती है और निष्पक्ष काम कर पाने में बहुत ही कम, सर ऐसा होता तो हर गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, हिसाब से चीजों को हैंडल करते हैं और चूंकि झंडा सरकार का लगा हुआ है तो लोग आज के इस दौर बेरोजगारी के दौर में रोजगार की लालच में ऐसी बेवकूफियत भरा काम कर जाते हैं, जिसके प्रमाण हम लोग भी बैठे हुए हैं सामने। तो मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? कहना सिर्फ इतना है कि जो ऐसे लोग समाज में हैं जो सरकार की नजर में नहीं आ पाते हैं, जिनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, अगर ऐसा कोई प्रार्थना पत्र आ रहा है, ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो उस पर कठोर से कठोर संवैधानिक कार्रवाई करते हुए उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ, वो चाहे भाजपा के हों, चाहे संघ के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी के विशेष के हैं, तो अगर आम जनता को गुमराह करके, उनकी भावनाओं को आहत करके, रोजगार का लालच दे करके या स्वर्णिम भविष्य का लालच दे करके ऐसा कृत्य कर रहे हैं और ये प्रार्थना पत्र आ रहा है, तो उस पर त्वरित और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है।